हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हमने स्टे किया था गुलमर्ग में और पता चला है सुबह सुबह, अभी हम फ्रेश व्रेश हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और अभी हमें पता चला कि गंडोला का ओपन हो चुका है सब कुछ, तो अब हम वहां जा रहे हैं जल्दी से अपने बुलेट से, और फिर गंडोला के बाद हम वहां भी जाएंगे महाराजा पैलेस। तो इन दोनों जगह को अभी हमें कवर करना है। हम जा रहे हैं अपने होटल से निकल के, और मैंने हमेशा की तरह कोई मेकअप वेकअप नहीं किया। तो आप देख सकते हो ये मॉर्निंग व्यू हमारे होटल से कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं आगे। अभी आगे भी तो गाइस हम पहुंच चुके हैं महाराजा पैलेस, और आप देख सकते हो यहाँ पे फुल टूरिस्ट प्लेस है। तो गाइस आज बारिश का दिख रहा है, इसलिए मैंने जैकेट वेयर कर लिया है यहाँ, क्योंकि यहाँ आज बारिश का है। और आप देख सकते हो ये मैं महाराजा पैलेस आ चुकी हूँ, और अब मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ देखने कि क्या है यहाँ भाई, जिसका नाम महाराजा पैलेस है। आइए चलते हैं देखने। तो आप देख सकते हो यही है महाराजा पैलेस जहाँ हमें आना था, कुछ खास तो है नहीं। और इसके वो मांग रहा था गाइड 3000, इसके ही नहीं वो और भी पता नहीं कौन छुपी छुपी जगह घुमा रहा था, कह रहा था मैं आपको यहाँ घुमाऊंगा, वहाँ घुमाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, 3000 दे देना। मैंने बोला रहने दे, हम बाइक से घूम लेंगे। तो गाइज हमने महाराजा पैलेस में अंदर जाने की भी टिकट ले ली है, देख लेते हैं अब आए हैं तो कि अंदर और क्या है विजिट करने। मैं जाऊँ अंदर? जूता निकाल के जाओगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। यही है गाइस वो महाराजा पैलेस जहाँ हमें आना था, और अंदर जा रही हूँ मैं देखने के लिए कि क्या क्या है। मुझे अच्छा लग रहा है अभी अंदर जाने में, क्योंकि इस पे शायद महाराजा बैठते होंगे। वाओ यार, इट्स अ ब्यूटीफुल। ये महाराजा के खाने की जगह मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी लोग भाग रहे हैं, उनके पहले वीडियो बनानी पड़ रही। अब हम जा रहे हैं महाराजा का कुछ और देखने। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये महाराजा का तीसरा बेडरूम देख सकते हो गाइस। महाराजा भी कुछ खास नहीं रहते थे, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट मैं इसमें से निकल रही हूँ। लग रही हूँ ना मैं गाइस महारानी। तो गाइस ये ही है वो महाराजा पैलेस जहाँ हमें आना था, और यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं जो कि राजा पहनते थे, जिस तलवार से वो लोगों के गर्दन उड़ाते थे, क्या खेलते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ खाते थे, एवरीथिंग। तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया, आपको टूर तो करा ही दिया, और अब मैं जा रही हूँ रील्स बनाने। तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा महाराजा पैलेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज यहाँ पे ना कुछ लोग थे, मेरे को कहते आपके साथ फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो लेनी है। मैं तो कोई जोकर भी नहीं दिख रही और फॉरेनर भी नहीं, तो मेरे साथ क्यों फ़ोटो लेनी है, आई डोंट नो। अच्छा लग रहा है यहाँ भी आके गाइस। अभी मैं कुछ रील्स शूट करूँगी, मेरे दोस्त से कराऊंगी। नीचे पता नहीं क्या है गाइस, हम देखने जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओह वाओ, दिस इज जेल, पता नहीं ये क्या है, खाना खाने की जगह है क्या?
गाइस शायद ये खाना खाने की जगह है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. पता नहीं क्या है ये. बहुत एंजॉय किया हमने यार. अंदर भी बहुत अच्छा लगा. नई नई चीजें देखने को मिली. जैसा कि आपने देखा, खाने का मन भी नहीं था मेरा, बट लेना पड़ा. इतनी बार बोल ही दिया हमने. अच्छा नहीं लगता ना इतने बार बोलने के बाद ना लो. तो हम निकल रहे महाराजा पैलेस से. तो गाइस महाराजा पैलेस कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं गंडोला की तरफ. वहाँ देखते हैं क्या है करने को और वहाँ भी करेंगे. आप वेदर देख रहे हो, यहाँ पे कितने काले बादल हो रखे हैं भाई. मैं तो ध्यान नहीं दिया, वीडियो बनाते वक्त ध्यान जा रही है. काले बादल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे. तो बहुत अच्छा रास्ता है, मैं आपको रास्ता दिखाऊँ. गाइस हमने गंडोला की टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं. और यहाँ मुझे जाना था क्योंकि ये बहुत बढ़िया जगह है. गाइड को ले चलो. हाँ, गाइड जो मैं हूँ आऊंगा साथ में, तब आप एंजॉय हो पाएंगे. आपके बिना एंजॉय नहीं कर पाएंगे. हाँ, कुछ मिलेगा नहीं सिस्टर. 990 हमारे सर चार्ज है वापस. भाई आप लोग चार्ज ही इतना करते हो. अकेले ही घूम लूंगी मैं. कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढ लूंगी. आप कितना देंगे? गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना है गंडोला. और आप देख सकते हो यहां पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है. गाइड हमारे पीछे पड़ा है कि मुझे भी ले चलो, पैसे दे देना. बट हम उसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम बिना गाइड के घूमेंगे. बेकार के पैसे नहीं दे सकते. हम गाइड लेते ही नहीं कभी. आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गंडोला में ऊपर जाने के लिए. गाइस हम लाइन में लग के आगे आ गए. आप देख सकते हो हम लगे थे तब हम उस सारे पीछे थे और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं. गाइस हम अंदर आ चुके हैं. यहीं पे हमें उस मशीन में चढ़ना है. देख सकते हो कितनी भीड़. जैसा कि आप देख सकते हो हम बैठ चुके हैं इसमें और ये ऊपर की तरफ जा रही है. बहुत मजा आ रहा है. ज़्यादा मज़ा आ रहा है. आप देख सकते हो हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं और इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा वेदर. हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कम टाइम है क्योंकि यहाँ से हमें पहलगाँव की तरफ निकलना है. तो जल्दी से यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो भी चीज़ें हैं, जो भी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है. जाके मैं व्यू पॉइंट देखती हूँ और फिर बातें करती हूँ. गाइज हमने बहुत सारी रील्स बना ली मैंने फुल म्यूज़िक के साथ क्योंकि मेरे दोस्त का नेट भी था इस बार मेरे साथ. मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ की नेट यूज़ ना मिल रहा हो करने को.
वहाँ से वो लेफ्ट साइड की व्यू थी और ये राइट साइड की व्यू है। खाना नीचे जाके खाएंगे बट हमें इतनी तेज भूख लग चुकी है और यहाँ पे वापस जाने के लिए लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर कुछ खा ही लेते हैं। तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। मैगी मंगवाए, तो परांठे आप देख के बता सकते हो कितने चूते ऐसे परांठे, गाली निकल रही है यहाँ परांठे देख के, ऐसे परांठे नहीं होते अभी, बट कोई नहीं, भूख लगी है तो खानी पड़ेगी। मैगी भी खा ली है, ओह गॉड। और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं उसी लिफ्ट्स वाले डब्बे से।